दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। आप लोग अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ, होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने जो ट्राई किया वो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको एक बाउल में एक या दो चम्मच गेहूं का आटा लेना है, अच्छे से थोड़ा सा भर के ही। उसके बाद एक चम्मच आपको बेसन लेना है और उसको आपको मिक्स करना है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर में, या तो आप कच्चा दूध भी मिला सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए, या सिंपल वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्किन को अच्छा करने के लिए आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस जो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वो थोड़ी सी पेस्ट टाइप की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं, जैसे कि ये जो अनवांटेड जो हेयर यहाँ पर वगैरह आता है, आप उसमें अच्छे से लगाइए। थोड़ा सा मसाज करते हुए उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अभी खुद देखिए कि जब ये सूख जाएगा तो उसको रब करते हुए अगर आप इसको हटाइएगा तो नहीं हटेगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो सही बात है, ये जो जैसे फोरहेड वगैरह आया है इसका कुछ नहीं हो सकता है। जिनको पार्लर जाने की आदत है वो पार्लर जाएंगे ही जाएंगे, अगर एक दिन दो दिन नुस्खे अगर ट्राई भी करें उनका बाल नहीं हटने वाला। अब इमेजिन कर लीजिए जिनको थ्रेडिंग करने की आदत है, वो अभी ये इतने ज़्यादा ये जो आईब्रो के बाल होते हैं वो क्या आपको लगता है कि ये इस पेस्ट से निकल जाएगा? नहीं निकलता है। इसलिए ये सब ट्राई करने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपना टाइम आप जहाँ पर सेव कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पर करिए। और जहाँ तक अच्छे लगने के सवाल है, आप अच्छे लग सकते हैं, आपकी एक पॉजिटिव सोच और चेहरे पर मुस्कान आपको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है। तो अभी जो क्वारंटाइन का वक्त चल रहा है, आप जानते हैं कि आपको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि गंदे लगिए, बदसूरत लगिए चलेगा, लेकिन सेफ़ रहिए। सेफ़ रहना काफ़ी ज़रूरत है, और वैसे भी ज़िंदा रहेंगे तब तो सुंदर बनेंगे। इसलिए प्लीज़ 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 बाहर के चक्करों में मत पड़िए। घर में देखिए, अगर ट्राई करिए, अगर होता है तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मत ही ट्राई करिएगा। कुछ नहीं इफ़ेक्ट आता है, मैंने खुद कल किया था और कुछ भी नहीं हुआ। सब अनवांटेड हेयर सब है ही, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। इसलिए सेफ़ रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर बहुत सारे लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे कि हमारे पड़ोस में ही तो है वो पार्लर, हम लोग चले जाएंगे घर घर के अंदर अंदर, मान लीजिए कि किसी को वो वायरस कहीं ना कहीं अगर टच हो गया, कुछ हो गया, वो थ्रेड मुंह से जाती है फिर वो स्किन पे लगती है, तो ये क्यों रिस्क लेना थोड़े से सुंदर बनने के लिए? एक बार ये कोरोना चला जाएगा उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी बची है, सुंदर बनना है, अट्रैक्टिव लगना है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन अभी सेफ रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपका सेफ़ रहना काफ़ी ज़रूरत है। और ये जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मुझे पता है ये काफ़ी लंबा टाइम है, अपने आप को कुछ इंगेज करिए, कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें करिए जिससे कि आप इम्प्रूव हो सकें। तो बेहतर यही होगा कि घर में ही रह के आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन 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 अपने आप को सेफ रखिए, एटमॉस्फेयर को सेफ रखिए। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, अपना कमेंट मुझे ज़रूर पोस्ट करिए कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद आपको कैसा लगा। होप आप मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझ रहे हैं। और अगर आप देखिए, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद आप फिर से अगेन 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 आप अट्रैक्टिव लग सकते हैं। और जहाँ तक बात है ये सारे फेशियल हेयर है सब की, मैं खुद पार्लर जाऊँगी, जिस समय थ्रेडिंग कराऊँगी उस समय आपको बताऊँगी कि मैंने थ्रेडिंग कराया। और आप भी अपनी प्यारी प्यारी सी फ़ोटो मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा जब आप थ्रेडिंग करा लीजिएगा। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हाँ, कर ही दीजिए लाइक, डिसलाइक क्यों करना, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अभी मैं दूसरे वीडियो की तैयारी करती हूँ, वो आपके भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।